हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेटिंग चैनल। तो चलिए फ्रेंड्स, आज बनाएंगे हम जो है जैसे स्वेटर बना रहे हैं, इसकी आर्म होल की जो है बॉर्डर बनाएंगे। कितने फंदे यहाँ पे उठाने हैं ये मैं आज आपको बताऊंगी, और इसकी जो है बॉर्डर की चौड़ाई कितनी बनानी है वो आप अपने हिसाब से बना सकती हैं। जितनी आपको अच्छी लगे आप उतने जो है इसकी चौड़ाई को बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमने फंदे जो है उठाने हैं। फंदे हम कितने उठाएंगे, यहां से लेके यहां तक जितने फंदे उठाने हैं उतने ही हमने यहाँ पे दूसरी साइड से उठाने हैं। मतलब कि जैसे जितने हमने बैक साइड से फंदे उठाने हैं उतने ही फ्रंट साइड से उठाने हैं। तो फंदे उठाने स्टार्ट करते हैं। देखिए, 10 नंबर की सिलाई के साथ में इसका बॉर्डर बनाऊंगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये वाला बॉर्डर बनाया है, ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा अलग सा बॉर्डर है। इस तरह से आप जो है सिलाई को इस तरह से रखेंगे और यहाँ से फंदे उठाने स्टार्ट करेंगे इस तरह से। देखिए, हर एक चेन में से हमने एक एक फंदा उठाते हुए जाना है। अगर आपको लगे कि फंदे हमारे कम हैं तो जब हम अगली सिलाई डालेंगे उसमें जो है हम अपने फंदे पूरे कर लेंगे इस तरह से। देखिए, इस तरह से हर एक चेन में से एक एक फंदे को उठाते हुए जाएंगे। एक ऐसे फंदे आपने ऐसे उठाने हैं कि बिल्कुल भी पता ना चले कि कहाँ हमने जो है बॉर्डर कहाँ से स्टार्ट किया है। यहां से इस तरह से, देखिए ये वाला है, यहां से इस तरह से ये वाला है, इस तरह से फिर आगे यहाँ से, फिर आगे यहाँ से। देखिए, इस तरह से आपने सारे फंदे यहाँ तक जो है कितने उठेंगे वो मैं आपको उठा के पूरे बताती हूँ फिर। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है मैंने फंदे कितने उठाए हैं, यहाँ से लेके हाफ तक जो है मैंने 70 स्टिचेस उठाए हैं, 70 फंदे उठाए हैं और 70 ही मैंने यहाँ पे बैक साइड से उठाए हैं। तो टोटल मेरे पास 140 फंदे हैं, 140 फंदे हैं। तो इनको लेके मैं पहले तो एक सिलाई इस तरह से पूरा इन फंदों को उल्टा बुनूंगी इस तरह से। एक सिलाई उल्टी बुनने के बाद फिर एक फंदा सीधा और एक को उल्टे से बनाऊंगी इसका बॉर्डर। एक सिलाई पूरी उल्टी बना लेती हूँ पहले। अब देखिए, एक सिलाई उल्टी बनाने के बाद सीधी साइड में आ गए हैं हम। सीधी साइड से हमने एक फंदा उल्टा एक सीधा बनाना है। सीधा हम फंदा कैसे बनाएंगे वो आप देख लीजिए थोड़ा सा। फिर आपने जो है इसका देखिए इतना बॉर्डर बनाना है। देखिए, एक साइड का मैंने बॉर्डर बना लिया है तो ये होगा 1-1.5 इंच के करीब जो है ये बॉर्डर होगा। आप देख सकते हैं इस तरह से, देखिए यहाँ पे, देखिए 1 इंच के करीब जो है ये बॉर्डर बना है। इसको इतना बना लीजिए, 8 या 10 सिलाइयां बना करके इसके बाद जो है इसे बंद करेंगे। तो सबसे पहले हम बॉर्डर बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए, सीधा फंदा पहले ऐसे उतारा फिर उल्टा बनाया। अब जो सीधा बुनेंगे हम बैक साइड से बुनेंगे ऐसे, देखिए इस तरह से। फिर सीधा उल्टा बनाया, फिर सीधा जो है बैक साइड से बन दिए, फिर उल्टा, फिर धागा पीछे, सीधा इस तरह से बुनेंगे, फिर उल्टा इस तरह से। सीधा जब बुनेंगे तो बैक साइड से, नॉर्मली हम ऐसे बुनते हैं सीधा, इस तरह से नहीं बुनेंगे, इस तरह से बैक साइड से धागे को इस तरह से बैक साइड करके ऐसे बैक साइड करके ऐसे इस तरह से, और धागे को हमने सीधी तरह से ही सिलाई के ऊपर लेना है। तो इस तरह से हमारा थोड़ा सा जो है डिजाइनर बॉर्डर बन जाएगा। जो सीधा फंदा दिखेगा उसे इस तरह से बनाना है, जो उल्टा दिखेगा उसे इस तरह से नॉर्मली उल्टा बनाना है। तो इस तरह से 8 या 10 सिलाइयां आप कंप्लीट कीजिए, उसके बाद हम जो है बॉर्डर को बाइंड ऑफ करेंगे। सारे स्टिचेस को बाइंड ऑफ करेंगे तो हमारा आर्म होल का बॉर्डर जो है बन के कम्प्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी। फिर हम गला बनाएंगे इसका, गले के फंदे कितने उठाएंगे नेक्स्ट वीडियो में वो भी बताऊंगी आपको। तो आप पूरी वीडियो देखा कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स, और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों में। सर्दियां आने वाली है,
अच्छी अच्छी वीडियोस शेयर करेंगे तो वो भी आपकी हेल्प से बना सकेंगे। तो देखिए इस बॉर्डर को मैं पूरा करके फिर आपसे मिलती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बॉर्डर कंप्लीट करके ये देखिए यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने जो है इसमें जो है 8-10 सिलाइयां बना के आप अपनी पसंद से बना सकती हैं, कितना आप चौड़ाई में बॉर्डर चाहते हैं। उसके बाद हमने उल्टी सिलाई से फंदों को बंद करना स्टार्ट किया था, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने फंदे सारे बंद कर दिए। कैसे किए हैं ये देखिए, इस तरह से एक फंदा जो बंद किया हुआ है इसको दूसरे के साथ मिला के दोनों को इकट्ठा बुन देंगे। उल्टी साइड से हमने इस तरह से बनाना है, इस तरह से देखिए इस फंदे को साथ लिया ऐसे, फिर इस फंदे को साथ लेके दोनों फंदों को हमने एक एक करते हुए ऐसे बंद कर देना है। देखिए सारे फंदे इस तरह वाइंड ऑफ करने के बाद हमारा जो है आर्म होल का बॉर्डर जो है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम गले का बॉर्डर बनाएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में गले का बॉर्डर आपको बना करके दिखाऊंगी, कितने कितने फंदे उसमें उठाने हैं वो आपको बताऊंगी। देखिए लास्ट में हमारे पास ऐसे बन गया, ये जो फंदा है इसमें से इस तरह से उनको निकालेंगे और यहां से इसको कट कर देंगे, इस तरह से कट करने के बाद हमारा जो है आर्म होल का बॉर्डर जो है पूरा फिनिश हो गया है। देखिए इस तरह से दोनों को आप इस तरह से रखेंगे, देखिए दोनों साइड, ये देखिए इस तरह से हमारा आर्म होल का बॉर्डर एक साइड का भी हो गया। इसी तरीके से हमने दूसरी साइड भी बना ली है, ये देखिए ये इसमें दूसरी साइड है, ये देखिए ये इसकी दूसरी साइड भी बन के कम्प्लीट हो गई है। दोनों साइड हमारी जो है आर्म होल की बॉर्डर की बन के कम्प्लीट हो गई है। देखिए ये दोनों साइड है। अभी हमने गले का बॉर्डर बनाना है यहाँ पे, ये कैसे हमने फंदे उठाने हैं, कितने उठाने हैं वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों में, कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको कैसी लगी वीडियो। और साथ ही में बेल आइकन है, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाया कीजिए फ्रेंड्स, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं इसी के एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नीटिंग चैनल। देखिए फ्रेंड्स, ये जो स्वेटर बना रही हूँ उसका गला बना करके आज आपको दिखाऊंगी, गले में हमने कितने कितने फंदे उठाने हैं वो आपको दिखाऊंगी। देखिए बैक साइड से मैंने 40 फंदे यहाँ पे रखे हैं, बाकी फंदों को यहाँ पे ज्वाइंट कर दिया था। इसमें आपने 40 फंदे रखने, अगर आपके पास ज्यादा फंदे हैं तो आपने दो का एक करते हुए सिर्फ 40 फंदे ही रखने। देखिए मैंने दूसरी सिलाई में लिए हैं फंदे, अब इस सिलाई को निकाल देंगे। डबल पॉइंटेड नीडल जो होती है हमारे पास गले बुनने वाली सिलाइयां इस तरह की होती है, दोनों साइड से देखिए दोनों साइड से इस तरह की होंगी। इनमें से हमने एक सिलाई को लेना है और इन फंदों को इस सिलाई में ले लेना, देखिए इस तरह से जो तीनों तरफ से फंदे हैं वो हमारे डबल पॉइंटेड जो नीडल होती है उसमें आएंगे, तभी हमारा जो है गला बुना जाएगा। देखिए इस तरह से ये सारे फंदों को मैंने एक नीडल पे ले लिया है, इस तरह से देखिए यहाँ पे ये वाले ले लिए। अब दूसरी नीडल लगाएंगे यहाँ से और इन फंदों को उठाना स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ये वाला जो एक साइड का गला है यहाँ तक जहाँ पे हमने मार्क लगाया था वहां तक उठाएंगे फंदों को, यहां से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए इस तरह से ऐसे फंदे आपने ध्यान से उठाने हैं, देखिए इस तरह से मैं फंदे ऐसे उठा लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ कितने हमने फंदे उठाए हैं और कितने हमको चाहिए हैं। देखिए इस तरह से आप चाहें तो हर एक चेन में से एक फंदा उठा लीजिए, अगर आपको कम लगे फंदा फिर बीच बीच में से हम जो पहली सिलाई में बीच बीच में से सेट कर लेंगे फंदे को उठा के, इस तरह से देखिए इस तरह से हमने
यहां तक जितने फंदे उठाने हैं इतने ही हमने दूसरी साइड से उठा लेनी है। तो मैं उठा लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ।